नमस्ते, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। क्या कभी आपने सोचा कि अदालत में जब भी कोई जाता है मुजरिम, तो उसे गीता पे हाथ रख के ही क्यों कसम दिलाई जाती है कि मैं गीता पे हाथ रख के ये कसम खाता हूं कि जो भी कहूंगा, सच के सिवा और कुछ भी नहीं कहूंगा। क्यों गीता पे ही हाथ रख के कसम दिलाई जाती है? क्यों रामायण नहीं, क्यों महाभारत नहीं, और क्यों कोई और दूसरा धार्मिक ग्रंथ नहीं, क्यों गीता है? मैं भी इन दिनों गीता का पाठ कर रहा हूं, तो ये सवाल मेरे दिमाग में भी आया कि क्यों ऐसा। तो जवाब ढूंढने की कोशिश की और कोशिश कर रहा हूं कि आपको भी ये जवाब मैं समझा सकूं। जवाब बहुत ही साधारण भी है। कृष्ण भगवान, उदाहरण तौर के कि क्यों रामायण नहीं, तो रामायण में जो राम भगवान जो थे वो सिंगल डायमेंशनल पर्सनालिटी थे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। उनका पूरे जीवन भर जो उनका रूप था वो एक ही रूप था, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, सिंगल डायमेंशनल पर्सनालिटी। महावीर भगवान थे तो उनका भी पूरा जो जीवन था वो सिंगल डायमेंशनल पर्सनालिटी था। बुद्ध भगवान थे तो सिंगल डायमेंशनल पर्सनालिटी थी। अगर पैगंबर साहब थे तो सिंगल डायमेंशनल पर्सनालिटी। जितने भी भगवान थे उनका सिर्फ एक ही व्यक्तित्व था, उनके मल्टी डायमेंशनल व्यक्तित्व नहीं थे। कृष्ण भगवान जो थे वो मल्टी डायमेंशनल व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। जैसे कि वो माखन चोर थे, नटखट थे, एक बहुत ही अच्छे नर्तक थे, बहुत ही अच्छे संगीतकार थे, बांसुरी बजाते थे, जबरदस्त प्रेमी थे, दोस्त थे, पति थे किसी के, भाई थे बहुत अच्छे, एक बहुत ही अच्छे कूटनीति उन्हें पता थी, वे बहुत ही अच्छे योद्धा थे, बहुत ही अच्छे मनोवैज्ञानिक थे। आपके जीवन के जितने भी शेड्स हैं, आप अपने किसी न किसी रूप को कृष्ण भगवान के उस रूप से मैच कर सकते हो, और आपने जीवन में कभी ना कभी अपने किसी एक रूप से कृष्ण भगवान के एक रूप को जरूर मैच किया होगा और उस रूप से बहुत ही प्यार किया होगा। उदाहरण के तौर पे अगर आपने कभी जीवन में प्रेम किया हो तो कृष्ण भगवान से प्रेम ना किया हो ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आपने कभी कोई संगीत से प्रेम किया हो तो कृष्ण भगवान से प्रेम ना करो ऐसा कभी मुमकिन नहीं। आपने जीवन में कभी अगर आपको नृत्य का अगर शौक है तो कृष्ण से प्रेम ना किया हो तो ये मुमकिन नहीं। आपने जीवन में कोई भी कार्य किया हो, किसी भी रूप में, आपने कृष्ण में वो रूप जरूर पाया होगा और उस रूप की वजह से आपने कृष्ण भगवान को बहुत प्यार किया होगा, बहुत प्रेम किया होगा। सीधी भाषा में अगर मैं कहूं तो कृष्ण भगवान एक मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी थे। कृष्ण भगवान सीधी भाषा में कहूं तो एक ऑर्केस्ट्रा थे। सभी प्रकार के वाद्य इंस्ट्रूमेंट उनके पास थे। आप अपनी पसंद का कोई भी इंस्ट्रूमेंट कृष्ण भगवान के ऑर्केस्ट्रा में से उठा सकते हो। ही वॉज अ मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी। यही एक वजह है कि जब भी जेल से, मतलब कोई भी जो गुनेगार होता है, वो गुनेगार किसी भी कैरेक्टर का हो सकता है। वो गुनेगार प्रेमी भी हो सकता है, दोस्त भी हो सकता है, संगीतकार भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है, मनोवैज्ञानिक भी हो सकता है, माखन चोर की तरह ये भी किसी न किसी चीजों में कोई चोरी की होगी। मतलब कोई ना कोई कार्य के माध्यम से उसने कृष्ण भगवान से जरूर प्रेम किया होगा। इसीलिए जब अदालत में सभी वर्ग के लोग आते हैं और सभी व्यक्तित्व के लोग आते हैं, तो ऐसी ये धारणा है कि हर व्यक्तित्व के व्यक्ति ने अपने जीवन में कृष्ण भगवान से जरूर प्यार किया होगा, उसने कृष्ण भगवान में अपने आप को जरूर देखा होगा। और जब आपने उस अपने रूप को कृष्ण भगवान के रूप में देखा होगा तो कृष्ण भगवान से कभी ना कभी बहुत ज्यादा प्यार मोहब्बत की होगी। और अगर आपने जीवन में कभी भी किसी से भी प्यार किया है तो आप उस व्यक्ति की झूठी सौगंध नहीं खा सकते, झूठी सौगंध खा ही नहीं सकते। बस यही एक वजह है कि अदालत में जब भी कोई मुजरिम आता है तो उसे सबसे पहले यह कहा जाता है कि गीता पे हाथ रख के कसम खाओ कि मैं जो भी कहूंगा
सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ भी नहीं कहूंगा। आपको जवाब देने में मैं सक्षम रहा, कोशिश मैंने की है कि आपको मैं ये समझा सकूं। और एक बात है, इन दिनों में गीता पढ़ रहा हूं तो पढ़ते पढ़ते कुछ जो बातें मेरे जहन में आई है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। गीता सही शब्दों में कहा जाए तो कोई उपन्यास नहीं है, कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं कहा जा सकता, पर गीता वास्तव में कहूं तो आपके और मेरे सबके हृदय के बहुत ही करीब अगर कोई मनोवैज्ञानिक घटना है तो वो गीता है। गीता एक मनोवैज्ञानिक किताब है, बहुत ही अच्छी मनोविज्ञान है उसमें। लड़ाई के मैदान में अर्जुन के दिमाग में क्या क्या ख्याल आते हैं, मैं क्यों लड़ूं, क्यों ना लड़ूं, सारे जो भी विचार आता है कृष्ण भगवान ने एक मनोवैज्ञानिक की भांति उनके सवालों का जवाब देने की पूरी पूरी कोशिश की है। अक्सर अर्जुन की तरह हमारे जीवन में भी सैकड़ों सवाल है, ये करूं कि वो करूं कि नहीं करूं कि क्यों ना करूं। हम भी हमारे जीवन में बहुत ही अर्जुन की तरह भी कंफ्यूज रहते हैं। हमारे पास कृष्ण भगवान तो नहीं, पर कृष्ण भगवान द्वारा रची गीता जरूर है। आपको अगर मौका मिले, अभी तो खैर लॉकडाउन चल रहा है तो मौका ही मौका है, समय ही समय है, इस समय में आप गीता का पाठ जरूर करें। आपके जीवन में जितनी भी घटनाएं हैं कहीं ना कहीं कोई ना कोई घटना आपकी उस गीता से जरूर मैच होगी और आपको अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए गीता सार्थक होगी। हम अक्सर धार्मिक ग्रंथों को पाठ करना कहते हैं कि गीता का पाठ करो, रामायण का पाठ करो, और हम अक्सर कहते हैं कि पेपर को पढ़ो, न्यूज़पेपर को पढ़ो, अखबार को पढ़ो। क्यों हम अखबार को पढ़ो कहते हैं और धार्मिक ग्रंथों को कहते हैं कि पाठ करो, ये भी जानना बहुत जरूरी है। अखबार को पढ़ना इसलिए कहते हैं कि पढ़ने में कुछ भी नया नहीं होता, बहुत सी चीजें तो आपको पता ही होती है कि अगले दिन जो पेपर छपने वाला है उसमें क्या क्या लिखा हो सकता है, वही बलात्कार की घटनाएं, वही मर्डर, वही पॉलिटिक्स, वही पिक्चरों के दो चार बातें, सारी की सारी घटनाएं ज्यों की त्यों होती है, उसमें कोई नयापन नहीं होता है, सब वही टॉपिक्स होते हैं। सेम टॉपिक को आप दो बार तीन बार नहीं पढ़ सकते हो, एक अखबार को आप दो बार या तीन बार नहीं पढ़ सकते हो, इसलिए उसे पढ़ना कहते हैं। और पाठ का अर्थ यह है कि जब गीता को आप एक बार नहीं, आप सैकड़ों बार गीता को पढ़ो, उसके अर्थ बदलते जाते हैं। लाइन वही रहती है, शब्द भी वही रहती है, लेकिन उसके भावार्थ बदलते जाते हैं। आपको सैकड़ों बार पढ़ने में सैकड़ों बार उसमें से कुछ नया सीखने मिलेगा। इसलिए अक्सर हम अखबार को पढ़ना कहते हैं तो धार्मिक ग्रंथों को पाठ करो ऐसा कहते हैं। तो आप भी इन लॉकडाउन के दिनों में गीता का पाठ करें, जितनी बार भी आप कुछ पढ़ेंगे तो आपको कुछ नया ही सीखने मिलेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये वीडियो मेरा बहुत पसंद आया। और एक बात और कहूंगा कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनसे मेरा निवेदन है कि बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको मेरा हर वीडियो सबसे पहले नोटिफिकेशन में आपको मिल जाए और आप उसे देख सकें। धन्यवाद, अगली बार फिर एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।